आज पढ़ते हैं सेक्शन 9 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स। रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट, रेस्टिट्यूशन मतलब क्या होता है? रेस्टिट्यूशन मतलब एक साथ फिर लाने का, एक साथ फिर लाने का। व्हेन आइदर द हस्बैंड, कंजुगल क्या है? कंजुगल मतलब होता है जो पति पत्नी का संबंध होता है उसे कंजुगल कहते हैं। पति पत्नी के संबंध को कंजुगल कहते हैं, वैवाहिक संबंध है ना। व्हेन आइदर द हस्बैंड और द वाइफ, या तो पति या तो पत्नी, हैज विदाउट रीजनेबल एक्सक्यूज, मतलब बिना किसी वाजिब कारण के, बिना किसी ठोस कारण के, विड्रॉन फ्रॉम द सोसाइटी ऑफ द अदर, मतलब पत्नी चली गई है घर छोड़ के या पति चला गया है घर छोड़ के बिना किसी कारण के, सही कारण के, द एग्रीव पार्टी, जो एग्रीव पार्टी होगा, एग्रीव मतलब जिसका नुकसान हुआ है, जैसे मेरी पत्नी छोड़ के चली गई है और हम चाहता है कि पत्नी ना जाए वापस आए, तो एग्रीव पार्टी कौन हुआ? आप। मैं। एग्रीव पार्टी मे अप्लाई बाय पिटीशन टू द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है। तो जो एग्रीव पार्टी होगा जिसका नुकसान हुआ है, वो चाहे तो एक पिटीशन करके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मामला कर सकता है सेक्शन 9 के अंदर, फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स। मेरा एक तो अधिकार है अपनी पत्नी पे कि वो मेरे साथ रहे, या मेरी पत्नी का मेरे ऊपर अगर हम चला जाए तो, है ना। तो ये मैं एक पिटीशन करूंगा और कहूंगा कि मैं उसके साथ ही रहना चाहता हूँ। एंड द कोर्ट ऑन बींग सेटिस्फाइड, अगर कोर्ट देखा और सारे ग्राउंड सुने और अगर कोर्ट सेटिस्फाइड होता है ऑफ द ट्रूथ ऑफ द स्टेटमेंट्स मेड इन सच पिटीशन एंड देयर इज नो लीगल ग्राउंड व्हाई द एप्लीकेशन शुड नॉट बी ग्राउंड, मे डिक्री रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स अकॉर्डिंगली। जब हम पिटीशन करेंगे रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स के लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास, डिस्ट्रिक्ट जज के पास, तो डिस्ट्रिक्ट जज देखेंगे उस पिटीशन में कि हमने जो जो बात कही है अगर वो सही है, तार्किक है, मतलब उसमें कोई झूठ नहीं देख रहे हैं, तो वो ऑर्डर दे सकते हैं, डिक्री, मेड डिक्री, है ना। डिक्री मतलब ऑर्डर, फाइनल फाइनल जजमेंट के साथ जो फॉर्मुलेट किया जाता है उसे कहते हैं डिक्री, डिक्री ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स। वो ऑर्डर देंगे कि ठीक है दोनों फिर से साथ में रहें, क्लियर है। इसके साथ एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है, वेयर अ क्वेश्चन अराइज वेदर देयर हैज बीन रीजनेबल एक्सक्यूज फॉर विड्रॉल फ्रॉम द सोसाइटी, द बर्डन ऑफ प्रूविंग रीजनेबल एक्सक्यूज शैल बी ऑन द पर्सन हु हैज विड्रॉन फ्रॉम द सोसाइटी। जैसे अब ये मैंने कहा कि मेरी पत्नी बिना किसी कारण के ही घर छोड़ के चली गई है, उसने कहा था कि एक साड़ी खरीद दो और मैंने कहा कि 4 महीने बाद खरीदेंगे, इसी गुस्से में वो छोड़ के चली गई है और 4-5 महीने से नहीं आई है, ये क्या कोई रीजनेबल एक्सक्यूज है, क्या सही कारण है? नहीं। तो अगर वो कहे कि नहीं ये कारण नहीं है, कुछ और कारण है, तो प्रूफ करने का बर्डन किसके ऊपर? उसके ऊपर। किसके ऊपर? लड़की के ऊपर। उसको प्रूफ करना होगा कि कोई रीजनेबल कारण है तभी हम इसको छोड़ के गए हैं। अगर वो नहीं दिखा पाएगी तो कोर्ट मेरे फेवर में ऑर्डर देगा कि उसको मेरे साथ रहना है। अब पढ़ते हैं सेक्शन 10, जुडिशियल सेपरेशन। आइदर पार्टी टू अ मैरिज, जुडिशियल सेपरेशन, नाम से ही समझ में आ रहा है। सेपरेशन मतलब क्या होता है? सेपरेशन मतलब अलग अलग। जैसे अभी रेस्टिट्यूशन पढ़ा हमने, मतलब एक साथ कोर्ट के ऑर्डर के जरिए, फिर अलग अलग भी हो सकता है कोर्ट के ऑर्डर के जरिए, अगर कोर्ट चाहे तो दोनों को अलग अलग भी कर सकता है। जुडिशियल मतलब जज के अनुसार, ठीक है, सेपरेट किया जा सकता है। मान लो दोनों पति पत्नी इतना झगड़ा करते हैं, इतना मारपीट करते हैं बिना कोई कारण के, तो कोर्ट बोलेगा कि ठीक है 6 महीना अलग रह के देखो। देखो अगर तुम लोग एक दूसरे को मतलब अलग अलग रह पाते हो तो रह जाना, ठीक है। ऐसा आगे, आइदर पार्टी टू अ मैरिज वेदर सोलमनाइज्ड बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, दो मतलब शादी का आइदर पार्टी, मतलब या तो हस्बैंड या वाइफ, इस कानून के आने से पहले या कानून के आने के बाद,
मे प्रेजेंट अ पिटीशन फॉर डिक्री फॉर जुडिशियल सेपरेशन एनी ऑफ द ग्राउंड स्पेसिफाइड इन सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 13। सेक्शन 13 में डाइवोर्स की बात की गई है, उसमें कई सारे ग्राउंड्स दिए गए हैं। उन ग्राउंड्स को बेसिस करके मेरी पत्नी इतना झगड़ा करती है, इतना मारपीट करती है रोज, है ना, इतना टॉर्चर करती है, तो क्रुएलिटी है ना। मतलब इतना लेट क्यों आए, इतना पहले क्यों आए, अगर इतने सारे कारण हैं तो यहाँ तो एक साथ रहना मुश्किल हो रहा है। तो मैं कोर्ट को ये रिक्वेस्ट कर सकता हूँ एक एप्लीकेशन करके डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ कि भैया दोनों को थोड़ा दिन अलग अलग किया जाए, इसे कहेंगे जुडिशियल सेपरेशन। एंड इन द केस ऑफ वाइफ ऑल्सो ऑन एनी ग्राउंड स्पेसिफाइड इन सेक्शन सबसेक्शन 2 देयर ऑफ एज ग्राउंड ऑन विच द पिटीशन फॉर डिवोर्स माइट हैव बीन प्रेजेंटेड। जिस ग्राउंड पे डिवोर्स मांगा जा सकता है उसी ग्राउंड पे जुडिशियल सेपरेशन भी मांगा जा सकता है। डिवोर्स क्या होता है कि एन एंड टू अ मैरिज, डिवोर्स का मतलब होता है कि शादी पे अब फुल स्टॉप। लेकिन जुडिशियल सेपरेशन का मतलब शादी पे फुल स्टॉप नहीं, शादी जिंदा है लेकिन दोनों को अलग अलग कर दिया गया, ठीक है। इसके सब क्लॉज 2 क्या कहते हैं, वेयर द डिक्री फॉर जुडिशियल सेपरेशन हैज बीन पास्ड। अगर डिस्ट्रिक्ट जज ने देखा कि हाँ जुडिशियल सेपरेशन का ऑर्डर बनता है, ऑर्डर देना चाहिए, इट शैल नो लॉन्गर बी ऑब्लिगेटरी फॉर द पिटिशनर टू कोहैबिट विद द रिस्पोंडेंट। तो जो पिटिशनर होगा जिसने केस फाइल किया है, अब जरूरी नहीं है कि उस पत्नी या उस पति के साथ ही रहना पड़े, वो अलग भी हो सकती है क्योंकि ऑर्डर मिला है। बट द कोर्ट में ऑन द एप्लीकेशन बाई पिटिशन ऑफ आइदर पार्टी ऑन बींग सेटिस्फाइड द ट्रूथ ऑफ द स्टेटमेंट मेड इन सच पिटिशन रिसीव द डिक्री इफ कंसिडर इट जस्ट एंड रीजनेबल टू डू सो। अगर कोर्ट देखे किसी ने, मान लो मैंने ऑर्डर पा लिया जुडिशियल सेपरेशन कि हम अपनी पत्नी से अलग हो जाते हैं, फिर कुछ दिनों के बाद पत्नी ने एक पिटीशन डाला और दिखाया कि ये सिर्फ दारू पीना चाहता है इसलिए अलग रहना चाहता है जज साहब, है ना, मतलब इसको सिर्फ नशा करना है इसलिए ये अलग रहना चाहता है और कोई कारण नहीं है, तो कोर्ट क्या कर सकता है, कोर्ट वो ऑर्डर कैंसिल कर सकता है और हमको डायरेक्शन दे सकता है, अच्छा बहुत होशियार बन रहे हो, तुमको फिर साथ में रहना है। यहाँ जो रिसिंड वर्ड है, रिसिंड RESCIND, इसका मतलब है कैंसिल, मतलब जो ऑर्डर दिया था सबसेक्शन 1 में उसे कैंसिल कर सकते हैं। अगर पत्नी से अलग होना है तो भी प्रावधान है, अगर पत्नी के साथ मिलना है तो भी प्रावधान है, डायरेक्ट जाके शादी को खत्म कर देना है ऐसा हिंदू मैरिज एक्ट डायरेक्ट नहीं कहता है, हाँ सुझाव देता है कि भैया पहले साथ में रह के देख लो, अलग होके देख लो, अगर ठीक लगे तो डिवोर्स तक, मतलब म्यूचुअल कंसेंट का भी जो डिवोर्स होता है उसमें भी 6 महीने का टाइम, अगर वो दोनों अगर संबंध बनाना चाहते तो बना सकता है, आपसी संबंध को कौन रोक सकता है, कोर्ट तब तक किसी के मामले इंटरफेयर नहीं करता जब तक आप खुद जाके कोर्ट को इंटरफेयर करने के लिए ना आमंत्रित करें, ठीक है। अब इसके बाद पढ़ते हैं वॉइड मैरिजेस सेक्शन 11। वॉइड मतलब होता है जीरो, वॉइड मतलब जीरो जीरो, ठीक, मतलब जो अपने आप में जिसकी कोई वैल्यू नहीं। अगर कोई एक इंसान जो 18 साल से ऊपर का है, अगर वो 10 साल की लड़की से शादी करे, क्या ये आप किसी भी तर्क पे इसको सही मानेंगे? नहीं भैया, नहीं मानेंगे, ये सही नहीं है। नहीं है। एक भाई बहन अगर शादी करे तो आप किसी भी तर्क पे मानेंगे? नहीं, किसी तर्क पे आप मानेंगे नहीं। तो इन मैरिजेस को, मतलब जो कुछ, मतलब कुछ लिस्ट बना दिया गया है, अगर वहां उस शर्त पे शादी हो रहा है तो उसे वॉइड मैरिज माना जाएगा, उसे जीरो माना जाएगा कि वो कोई शादी नहीं है। क्या है वो? एनी मैरिज सोलेमनाइज्ड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट शैल बी नल एंड वॉइड एंड मे ऑन पिटीशन प्रेजेंटेड बाय आइदर पार्टी देयर टू अगेंस्ट द अदर पार्टी बी सो डिक्लेयर्ड ऑफ नलिटी इफ इट कॉन्ट्रवेंस एनी ऑफ द ऑन अ पिटीशन। आपको क्या करना होगा? पिटीशन करना होगा, कोर्ट को बताना होगा कि ये कोई शादी नहीं है। ऑन अ पिटीशन प्रेजेंटेड बाय आइदर पार्टी, आइदर पार्टी मतलब दोनों में से कोई एक पार्टी, अगेंस्ट द अदर पार्टी बी सो डिक्लेयर्ड बाय डिक्री ऑफ नलिटी, वो जाके कहेगा कि इस पे नलिटी का ऑर्डर पास किया जाए, नलिटी मतलब इसको नल बनाया जाए, जीरो, इसकी कोई वैल्यू
नहीं है। जैसे मैंने एक शादी किया है, इसके रहते अगर मैं दूसरी शादी करूं तो उसकी कोई वैल्यू है? वो शादी माना जाएगा? वो नल एंड वॉइड है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसे मैरिज नहीं कहेंगे। भले एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप कह सकते हैं लेकिन मैरिज नहीं कहेंगे। वाइफ की स्टेटस में वो नहीं आ रही है। वाइफ की स्टेटस में कौन आएगी? पहली पत्नी। वाइफ की स्टेटस में, हाँ मतलब वाइफ का जो टाइटल है, अच्छा वाइफ का जो टाइटल है वो पहली पत्नी को मिलेगा। दूसरी पत्नी को वाइफ नहीं कहा जाएगा, क्योंकि हिंदू मैरिज में सेकंड वाइफ का कोई कंसेप्ट है ही नहीं। तो कहां कहां बोला गया है, कौन कौन सा कंडीशन? सेक्शन 5 का सब क्लॉज 1, 4 एंड 5। तो देखो सेक्शन 5, 1 1, तो 1 में क्या लिखा है? नाइदर पार्टी हैज अ स्पाउस लिविंग एट द टाइम ऑफ मैरिज। अगर मेरी पत्नी जिंदा है, इसके जिंदा रहते समय ही मैं दूसरी शादी कर लूं तो वो शादी नल एंड वॉइड, अगर उसे पता चले तो वो केस करेगी और उसे नल एंड वॉइड डिग्री पास होगा। दूसरा मतलब अगला 4 एंड 5, तो आप देखो 4 में कहा गया है डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशन से, मतलब कुछ संबंध है जहां पे प्रोहिबिशन है, मतलब उनके साथ आप संबंध बना नहीं सकते, और अगर बनाते हैं तो वो वॉइड मैरिज माना जाए, मतलब शुरू से ही जीरो, ठीक है। और अगला सपिंड, अगर आप एक ही पिंड के आसपास हैं, सब क्लॉज 5 में बोला गया है, तब भी आपकी शादी नहीं मानी जाएगी, उसे जीरो माना जाएगा। सपिंड मतलब जो बोला, एक ही पिंड, हाँ एक ही पिंड, जैसे द पार्टीज आर नॉट सपिंड ऑफ ईच अदर अनलेस द कस्टम, मतलब एक ही पिंड के ना हो। लड़का का 5 और लड़की का 3। आगे अब बात करते हैं सेक्शन 12 के बारे में, वॉइडेबल मैरिजेस। वॉइडेबल मतलब, वॉइड का मतलब होता है जीरो, और वॉइडेबल का मतलब जिसे जीरो बनाया जा सकता है। जस्ट मेरी शादी हुई एक लड़की से जो कि पागल है, मेरे पीछे नहीं पागल है, वो सही में पागल है, ऐसा होगा। माय बैड, हर लड़की तो पागल ही होती है। नहीं ऐसा नहीं है, वो सही में वो मेंटल है, मेंटली चैलेंज्ड है। लेकिन शादी के दिन सब कुछ ठीक था, रिसेप्शन के दिन ठीक था, शादी के दिन सब ठीक था, लड़की चुपचाप थी, पता ही नहीं चला। एंगेजमेंट के दिन सब ठीक था, लड़की चुपचाप थी, मुस्कुरा रही थी, कुछ भी पता ही नहीं चला। शादी के बाद जब कारवा आगे बढ़ा जिंदगी का, तब पता चला जा ये तो पागल है ना। तो ये लड़की के साथ भी हो सकता है, लड़का तो भी साथ, लड़के के साथ भी हो सकता है। अब शादी करते दौरान तो ये पता नहीं था, पता था क्या? नहीं, लेकिन अब तो पता चल गया है, तो अब क्या कोई लड़का इस शादी में रहना चाहेगा? नहीं, नहीं रहना चाहेगा। तो वो इस शादी को वॉइडेबल मैरिज बनवा सकता है, कह सकता है कि जज साहब इस शादी को आप जीरो कर दीजिए, क्या कर दीजिए? शून्य, शून्य, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि ये जो कंसेंट दी थी, जो मुंडी हिला रही थी, हमको लगा कि ये कंसेंट दे रही है, लेकिन इसका तो कोई स्क्रू भी एक जगह पे नहीं है, तो ये कंसेंट दे कैसे सकता है? इसके मम्मी पापा ने ये बात छुपाई थी सिर्फ शादी कर देने के लिए। इसके पुराने मेडिकल पेपर्स देखिए, ये शुरू से ही आगा। तो इस ग्राउंड पे मैं शादी को वॉइडेबल मैरिज भी मान सकता हूँ, और डिवोर्स का भी एक अपने आप में एक ग्राउंड है। क्लियर है? देखते हैं सेक्शन 12। एनी मैरिज सोलेमनाइज्ड वेदर बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, कोई भी शादी इस कानून से पहले हुई थे या कानून के बाद हुई है, शैल बी वॉइडेबल एंड मे बी एनल्ड। देखो लिखा है मे बी, मतलब अगर हम कोर्ट न जाए, हम न बोले कि जिससे मेरी शादी हुई है वो पागल है, तो क्या कोर्ट खुद उठ के आएगा और बोलेगा तुम्हारी शादी वॉइडेबल मैरिज है? तो हम जाएंगे, हम बताएंगे, तब कोर्ट ऑर्डर पास करके शादी को वॉइडेबल मैरिज कह सकता है। क्लियर है? बाय डिक्री ऑफ नलिटी ऑन एनी ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड, कौन कौन से ग्राउंड पे? दैट द मैरिज हैज नॉट बीन कंज्यूमेटेड ओइंग टू द इम्पोर्टेंस ऑफ द रेस्पोंडेंट, मतलब शादी में कोई भी संबंध, शारीरिक संबंध लड़का लड़की के बीच नहीं बन पाए हैं। क्यों? क्योंकि दोनों में से कोई एक इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट मतलब सेक्सुअल रिलेशनशिप नहीं बना पा रहा है। क्लियर है?
तो ये तो शादी से पहले किसी को पता नहीं हो सकता। हम्म, हो सकता है क्या ये पता कब चलेगा? शादी के बाद, शादी के बाद ही ना पता चलेगा कि लड़का लड़की जो है उनमें से मतलब सेक्सुअल रिलेशनशिप स्टेब्लिश्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब पता चला कि या तो लड़का या तो लड़की, फॉर एग्जाम्पल समझो जैसे एक लड़का है, शारीरिक रूप से वो लड़का है लेकिन अंदर से उसकी जो फीलिंग है वो लड़की है। ऐसा देखा ही आपने बहुत, है ना, जो शरीर से दिख रहा है कि वो लड़का है लेकिन अंदर से वो लड़की है, इसमें कोई भी गलत बात नहीं है क्योंकि ये एक इंसान की खुद की पर्सनल फीलिंग है, है ना। तो ये जो वो है इस, अब मम्मी पापा ने उसकी शादी जबरदस्ती करवा ली, लड़की को ये बात पता नहीं चल, तो शादी के बाद तो पता चलेगा जो कोहेबिशन होगा, मतलब जब सेक्सुअल रिलेशनशिप तैयार होगा उनके बीच, तब तो ये बात पता चलेगी कि वो सेक्सुअल रिलेशनशिप बंद नहीं रहा है। अब लड़की अगर चाहे इस रिश्ते में ना रहना तो वो जज के पास, डिस्ट्रिक्ट जज के पास एक पिटीशन कर सकती है और इस शादी को एक वॉइडेबल मैरिज कर सकती है और इसी ग्राउंड पे वो डिवोर्स भी मांग सकती है। क्लियर है? रीजन भी है इसके पास। सब क्लॉज बी, द मैरिज इज कॉन्ट्रावेंट ऑफ द कंडीशन ऑफ द स्पेसिफाइड क्लॉज 2 ऑफ द सेक्शन 5। अगर सेक्शन 5 का सब क्लॉज 2 टूटा है, है ना, देखो इनकेपेबल ऑफ गिविंग अ वैलिड कंसेंट, मतलब वैलिड कंसेंट नहीं दे पा रही है ना, या नहीं दे पाया, छुपाया गया कि वो पागल था या पागल थी, ये बात छुपाया गया तो ये कॉन्ट्रावेंट हुआ, तो जब पता चलेगा तभी ना जज को बताएंगे, तो शादी को वॉइडेबल किया जा सकता है, मतलब जीरो बनाया जा सकता है। ये शादी शुरू से जीरो नहीं थी, ये शादी भाई बहन की शादी शुरू से जीरो है, उनकी शादी शुरू से जीरो है। एक शादी रहते हुए दूसरी शादी करना शुरू से जीरो है, लेकिन अगला पार्टी इंपोर्टेंट है, ये कब पता चलेगा? शादी के बाद। समझा पा रहे हैं? हाँ भी। वो अगला पार्टी पागल है ये कब पता चलेगा? शादी के बाद। उसका कंसेंट नहीं था ये कब पता चलेगा? शादी के बाद। ये तभी ना पता चलेगा, उसका कोई और अफेयर था, कोई और बॉयफ्रेंड था, वो शादी करना नहीं चाहती थी, पापा जहर खा लिए थे एक रात को और कहते कि शादी नहीं करोगी तो मर जाएगी, है ना, तब ना वो पता चला कि अरे, तो क्या वो अलग रहना चाहती है, तो इस शादी को अवॉइडेबल मैरिज बनाया जाएगा। तो मतलब ये शादी होने तक ये वैलिड है लेकिन शादी के बाद इसको अवॉइडेबल बनाया जा रहा है और वॉइड मैरिज शुरू से ही जीरो है। क्लियर है? आगे बढ़े। सब क्लॉज सी, दैट द कंसेंट ऑफ द पिटिशनर और वेयर द कंसेंट ऑफ द गार्जियन इन द मैरिज ऑफ द पिटिशनर वॉज रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 5 एज इट स्टूड इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द चाइल्ड मैरिज रेस्टोरेंट अमेंडमेंट एक्ट, द कंसेंट ऑफ सच गार्जियन वॉज ऑब्टेन्ड बाई फोर्स। मतलब अगर माता पिता के जरिए भी शादी हुई है और उनका कंसेंट जोर जबरदस्ती लिया गया है ना, बंदूक रखा गया है, कराओ अपनी बेटी की शादी, नहीं तो गया खोपड़ी तुम्हारा, तो वो कंसेंट फ्री नहीं है। तो जब शादी हो जाएगा तब तो वर्डेबल मैरिज बोल सकते हैं, तब पिटीशन करेंगे और कहेंगे कि ये शादी शादी नहीं है, वर्डेबल मैरिज है। और बाय फ्रॉड एज टू द नेचर ऑफ द सेरेमनी एज टू मटेरियल फैक्ट, जैसे भारत में कितनी शादियां होती हैं जो फ्रॉड से ही होती हैं, लड़का पहले दिखाता है कि ओ बाप रे बाप बहुत पैसे हैं जिंदगी में, है ना, और शादी बाद पता चलता है जा ये तो उधार में जी रहा था, इससे अच्छा तो हम थे, है ना। तो ये जो फ्रॉड में जो शादी होती है, कई सारी शादियां होती है आए दिन देखने को मिलेगा, है ना, तो ये भी शादी जो पता चलेगा लड़की को, कब पता चलेगा लड़की को? शादी से पहले पता चल सकता है, जब लड़की शादी के बाद उसके घर जाएगी, जा कहता क्या हो गया, ये तो ये जो मतलब ये जो आईफोन दिखा दिखा के बता रहा था ये तो खाली कवर था, ये तो आईफोन था नहीं, ये तो अभी पता चला है, है ना। तो ये जो घोटाला है, ये जो फ्रॉड है, ये शादी को एक वॉइडेबल नजर से दिखाता है, अगर अगला पार्टी ना रहना चाहे कि तुमने हमको धोखा देके शादी किया। जैसे एक लड़का जिसके बाल नहीं है, उसने वीक लगा के शादी की, कब पता चलेगा ये? तो मतलब मुझे टकराई शादी कब पता चलेगा ये? और
शादी के बाद लड़की अगर ये ग्राउंड ले वर्डेबल मैरिज नहीं है, हो सकता है मान लो उसने वो बाल देख के शादी किया था, हो सकता है। मुझे क्या कि तुम इस हेयर में बहुत क्यूट लगते हो, ऐसा होगा रेस्पॉन्डेंट वॉज एट द टाइम ऑफ मैरिज प्रेग्नेंट बाई सम अदर देन द पिटिशनर, मतलब जिससे शादी हो रही है उसका बच्चा नहीं है, दूसरे का बच्चा है, वो प्रेग्नेंट है एट द टाइम ऑफ मैरिज। शादी के वक्त तो नहीं पता चला, लेकिन शादी के बाद तो पता चलेगा कि वो प्रेग्नेंट है, तो जो हस्बैंड है वो पिटीशन डाल के कह सकता है कि शादी को वॉइडेबल बनाया जाए। क्लॉज टू में जो ग्राउंड्स कहे गए हैं इसमें आप कोई भी पिटीशन नहीं डाल सकते। क्या कहता है? नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 1, नो पिटीशन फॉर एनलिंग अ मैरिज। कोई पिटीशन नहीं डालेंगे। क्या कब नहीं डालेंगे? On the ground of specified in subclause C of subsection 1 shall be entertained. Subclause C क्या कहता है? Subclause C कहता है कि consent free होना चाहिए। जैसे जब मैंने जब लड़की ने अपना consent दिया था, है ना? तो डर के मारे दिया था कि पिता जहर पी लेंगे, है ना? इस डर से दिया था अपना consent। लेकिन शादी के बाद अब हंस मुस्कुरा के जिंदगी चल रही है और एक साल बीत गया है। अरे शादी तक ना जोर जबरदस्ती था तो एक साल के अंदर बोलना चाहिए था कि जोर जबरदस्ती से चल रही है जिंदगी, लेकिन आपने एक साल तक कुछ बोला नहीं, तो जैसे ही कोर्ट को दिखेगा कि भैया इसमें कोई फोर्स है नहीं, फोर्स नहीं, कोई फोर्स नहीं है, कोई टॉर्चर नहीं है, अब तो रहने लग गए, तो कोई भी वॉइडेबल मैरिज का पिटीशन आप डाल नहीं सकते। क्या बोल रहे हैं? The petition is presented more than 1 year after the force had ceased to operate. Ceased मतलब stop. As the case may be, the fraud had been discovered. मतलब fraud जब हुआ था उसके बाद से एक साल बीत चुके हैं और वो आराम से अब रहने लगी है, तो ये शादी अब voidable नहीं हो सकता। जैसे हम बोला था वो फोन, वो टकला बाल, है ना? वो लड़की दो साल बाद अगर ये बोली, दो साल बाद नहीं चलेगा, जल्दी बोलना होगा ना, अपने लाभ के अनुसार बोलेंगे ऐसा नहीं है, नहीं है। कानून बनाने वाले को भी इतनी बुद्धि है। आगे, the petition has with her full consent lived with other party to the marriage as husband or wife after the force had ceased to operate as the case may be fraud had been discovered. जैसे अब लड़की मान गई है कि ठीक है मेरा पति टकला है तो है, हमको इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मान लो पत्नी जब रहने लगी है, अब उसको पता चला कि अरे मेरा पति तो टकला है, तो दो दिन बहुत गुस्साई, लेकिन तीसरे चौथे दिन से जिंदगी आराम से चलने लगी, तो जो फ्रॉड हुआ था वो पता चल गया है, लेकिन इसके बावजूद भी वो आराम से हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में निभाने लगी, आगे बढ़ने लगी। अब जब एक साल बीत जाएगा तो फिर आके आप ये नहीं कह सकते कि मेरे साथ जज साहब फ्रॉड हुआ था, ये आप कह नहीं सकते। मतलब सारी मिठाई एक प्लेट में मिल जाएगी ऐसा नहीं है, बाधाएं हैं। अच्छा, और क्या ग्राउंड पे आप नहीं कर सकते? ऑन ग्राउंड स्पेसिफाइड इन क्लॉज डी ऑफ सबसेक्शन 1 शैल बी एंटरटेन अनलेस द कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट द पिटिशनर वाज एट द टाइम ऑफ मैरिज इग्नोरेंट ऑफ द फैक्ट एलिज्ड। सब क्लॉज डी में क्या कहा कि जो रेस्पोंडेंट है वो प्रेग्नेंट थी, जो रेस्पोंडेंट है वो प्रेग्नेंट थी, ये बात आपको नहीं पता था, आपको नहीं पता था, तभी जज साहब वो पिटीशन सुनेंगे। अगर कहीं से भी ये पता चल जाए, मतलब लड़कों को पता नहीं था, हाँ कहीं से भी अगर ये पता चल जाए कि लड़के को ये पता था, उसकी मर्जी से ही ये शादी हो रही है, तब ये वॉइडेबल मैरिज वाला पिटीशन नहीं चलेगा। ठीक है, जैसे मान लो एक रेप विक्टिम है, किसी लड़की के साथ रेप हुआ, तो अभी वो ऑब्वियसली सी बात है कि मतलब इस बात को ध्यान नहीं दिया गया और वो प्रेग्नेंट हो गई। ठीक है, तो किसी एक लड़के ने उससे शादी कर, उसके किसी दोस्त,
तो एट द टाइम ऑफ मैरिज प्रेग्नेंट बाई सम अदर पर्सन, मिल रहा है लाइन, एट द टाइम ऑफ मैरिज शी वॉज प्रेग्नेंट बाई सम अदर पर्सन। लड़के को ये बात की नॉलेज है कि नहीं है? नहीं नहीं है। लड़के को तो पता है कि रेप, हम तो बता रहे हैं कि वो रेप विक्टिम है और सब्सिक्वेंटली सी कंसीव्ड, उसके पेट में अब बच्चा है, तो उसके किसी दोस्त ने उससे शादी करने का मन बनाया, अब दोनों शादी करेंगे, तो क्या ये लड़का इस वॉइडेबल मैरिज का ग्राउंड ले सकता है? पता है तो नहीं ले सकता, पता है तो नहीं ले सकता क्योंकि अपनी मर्जी से कर रहा है। अगर उसे नहीं पता होता तब फ्रॉड होता, तब वॉइडेबल मैरिज का आप ग्राउंड ले सकते हैं। समझा पा रहा हूँ? तो कभी कभी तो होता भी है ऐसा। सब क्लॉज बी का ही सब क्लॉज सबसेक्शन टू जो है वो कहता है कि आपको ये जो मतलब अगर डी मतलब आपको ये नहीं पता था, आपको ये नहीं पता था कि जिससे शादी हो रही है वो प्रेग्नेंट है एट द टाइम ऑफ मैरिज, तो जब ये एक्ट आया है या आने वाला था उसके एक साल के अंदर अंदर आपको पिटीशन फाइल करना होगा। ठीक, आगे मतलब मैरिटल इंटरकोर्स विद द कंसेंट ऑफ द पिटिशनर हैज नॉट टेकन प्लेस सिंस द डिस्कवरी, मतलब जब से पता चला है कि लड़की प्रेग्नेंट है तब से दोनों के बीच कोई भी शारीरिक संबंध नहीं बना है। नहीं, एकदम स्पेसिफिक बनाया है कि अगर लड़की प्रेग्नेंट थी और आपको नहीं पता था तो मैरिज वॉइड, वॉइडेबल है ना। लेकिन अगर लड़की प्रेग्नेंट थी है ना और आपको पता था तब वॉइडेबल नहीं। लड़की प्रेग्नेंट थी इसके बावजूद भी आप उसके साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप तैयार कर रहे थे तब नहीं, तब मैरिज है ना। अलग अलग है मतलब आपको पता चला और आप अलग हैं तब ना आप डिमांड कर सकते हैं। क्लियर? तो ये था सेक्शन 9, 10, 11, 12 जिसमें हमने हिंदू मैरिज एक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस पढ़े। इसके बाद पढ़ेंगे सेक्शन 13। थैंक यू।